हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, फाइनली अभिषेक का घर से एलिमिनेशन हो गया है, घर से उसको एविक्ट कर दिया गया है और अभिषेक घर से बाहर आ गए हैं। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा जिसमें अभिषेक और समर्थ की लड़ाई हो रही थी, समर्थ ने अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा पोक किया था, उसके मुँह में टिशू पेपर डालने की कोशिश की थी और अभिषेक ने गुस्से में अपना हाथ उठा दिया था और स्लैप किया था समर्थ को। तो इसी चीज़ को लेकर के अभिषेक ने बाद में उससे माफ़ी मांगी समर्थ से, और उस वक्त तो बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बट अब अंकिता कैप्टन बन गई तो अंकिता के हाथ में ये पावर दी गई कि अभिषेक के साथ क्या किया जाए, अभिषेक को रखना चाहते हैं नहीं और अभिषेक को घर से एलिमिनेट करना है या नहीं। तो अंकिता ने जो डिसीज़न लिया, अंकिता ने ये डिसीज़न लिया कि अभिषेक को घर से बेघर किया जाए, क्योंकि उसका जो गुस्सा है, उसका जो एग्रेशन है, वो कंट्रोल में नहीं रहता है। बट अगर आप वोटिंग ट्रेंड में देखेंगे तो अभिषेक टॉप पर चल रहा है और अभिषेक ने जितने एफर्ट डाले हैं, जिस तरीके से अभिषेक ने पूरा गेम खेला है, अभिषेक इस शो में रहना डिजर्व करता है और यहाँ तक कि टॉप थ्री में भी उसका जाना फिक्स होना चाहिए, उसको जाना चाहिए टॉप थ्री के अंदर, क्योंकि वो डिज़र्व करता है इस चीज़ को। और मैं तो कहता हूँ वो तो विनर होना भी डिज़र्व करता है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है, अभिषेक को एलिमिनेट जो किया गया वो सही है या नहीं, क्या अभिषेक घर में रहना डिज़र्व करता है या नहीं, कमेंट करें और बताएं।